हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकास रसोई। आज मैं एक बंगाली डिश सिखाने वाली हूँ, दूधी करी। और इसको बंगाली में कहा जाता है गोविंदभोग चाल दिए लावेट घंटो। और उसका छिलका को भी मैं वेस्ट नहीं किया, उसका छिलका को भी एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सो लेट्स गो टू माई किचन। दूधी करी विथ गोविंदभोग राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। दूधी या लाव, बंगाली में इसको लाव बुलाए जाते हैं। गोविंदभोग चाल को मैं ग्राइंड करके लिया, आधा घंटा भिगो के लिया था, उसके बाद ग्राइंड कर लिया था। बड़ी एक उड़द दाल से बना हुआ रहता है। दूध 5 फोरन है, ये स्पेशल बंगाली स्पाइसेस है। सूखा मिर्च और ग्रीन चिली, हल्दी, नमक, शक्कर और मस्टर्ड ऑयल। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया, अभी इसमें बड़ी को फ्राई करूंगी। बड़ी आपको कौन सा भी बंगाली स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। बड़ी फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं सेम कढ़ाई में सेम तेल में सूखा मिर्च डाल रही हूँ और 5 फोरन डाल रही हूँ। ये फ्राई होने के बाद डायरेक्ट मैं दूधी को डाल रही हूँ। मिनट तक दूधी को लो मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद अभी मैं हल्दी ऐड करूंगी, थोड़ा सा जो बड़ी फ्राई करके रखा था वो ऐड करूंगी और मिर्ची। साथ में मिला देती हूँ। और जो गोविंदभोग राइस का जो होल बना के रखा था ना वो डालूंगी। कुछ मिला दूंगी अच्छे से। इसमें मैं जरा सा भी पानी ऐड नहीं करूंगी, दूधी में जो पानी रहते उसमें ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से। दूधी के साथ सब कुछ मिलाने के बाद मैं वापस 10 मिनट ढक के पकाऊंगी। 10 मिनट्स के बाद ढक्कन निकल के अभी इसमें दूध ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर। फ्रेंड्स, बंगाली लोग वेज रेसिपी में थोड़ा शक्कर ज्यादा डालते हैं, बट आप अपना हिसाब से डालिए। सब कुछ मिक्स कर लिया, अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए जस्ट रेस्ट होने दूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। फिर इसके बाद डायरेक्ट मैं प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। दूधी छिलका फ्राई बनाने के लिए छिलका तो लिया, पहले ही बोला था, मस्टर्ड ऑयल, इसके जगह पे सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं, खसखस, कलंजी, सूखा मिर्च और ग्रीन चिली, हल्दी, नमक, शक्कर। ये दोनों एकदम ऑथेंटिक बंगाली प्योर वेज डिश है। दूधी का छिलका फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया, अब इसमें सूखा मिर्च और कलंजी डाल दी। 1 मिनट फ्राई होने दूंगी। अभी छिलका ऐड कर रही हूँ और साथ में मिर्ची भी। इसमें अभी थोड़ा हल्दी ऐड कर रही हूँ। कुछ मिला के ढक के मैं 5 मिनट फ्राई होने दूंगी। 5 मिनट बाद वे ढक्कन निकल के अभी मैं इसमें पॉपी सीड या पोस्तो या खसखस डाल रही हूँ, मिला देती हूँ और थोड़ा सा शक्कर।
इसमें एक मिर्ची भी डाल देंगे। सब कुछ मिक्स होने के बाद मैं और भी 5 मिनट रखूंगी ढक के, फिर इसके बाद डायरेक्ट साथ कर दूंगी। दोनों रेसिपी रेडी हो गए। अभी मैं गरम चावल के साथ सर्व कर दिया। एक चिल्का फ्राई है, दूधी चिल्का फ्राई, और एक दूधी करी जो बंगाली में बोलते हैं गोविंदभोग चाल दिए लाउ घंटो। ये बहुत ही बंगाल का एक खोया हुआ ट्रेडिशनल डिश है। मैं सब फ्रेंड को रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताएं कैसे हुआ ये। अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।